साथियों, भारत का इतिहास सिर्फ 1000 साल की गुलामी का इतिहास नहीं है, सिर्फ हार और निराशा का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास विजय का इतिहास है, भारत का इतिहास शौर्य का इतिहास है, भारत का इतिहास ज्ञान और विज्ञान का इतिहास है, भारत का इतिहास कला और सृजन कौशल का इतिहास है, भारत का इतिहास हमारे सामुद्रिक सामर्थ्य का इतिहास है। सैकड़ों वर्ष पहले जब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब ऐसे संसाधन नहीं थे, तब उस जमाने में समंदर को चीर कर हमने सिंधु दुर्ग जैसे कितने ही किले बनवाए। भारत का सामुद्रिक सामर्थ्य हजारों साल पुराना है। गुजरात के लोथल में मिला सिंधु घाटी सभ्यता का पॉट आज हमारी बहुत बड़ी विरासत है। एक समय में सूरत के बंदरगाह पर 80 से ज्यादा देशों के जहाज लंगर डालकर रहा करते थे। चोल साम्राज्य ने भारत के इसी सामर्थ्य के बलबूते दक्षिण पूर्व एशिया के कितने ही देशों तक अपना व्यापार फैलाया। और इसलिए जब विदेशी ताकतों ने भारत पर हमला किया, तो सबसे पहले हमारी इस शक्ति को निशाना बनाया गया। जो भारत नाव और जहाज बनाने के मशहूर था, उसकी ये कला, ये कौशल, सब कुछ ठप कर दर किया गया। और अब जब हमने समंदर पर अपना नियंत्रण खोया, हमने अपनी सामरिक आर्थिक ताकत भी खो दी। इसलिए आज जब भारत विकसित होने के लक्ष्य पर चल रहा है, तो हमें अपने इस खोए हुए गौरव को फिर से पा करके ही रहना है। इसलिए ही आज हमारी सरकार भी इससे जुड़े हर क्षेत्र पर फोकस करते हुए काम कर रही है। आज भारत ब्लू इकोनॉमी को अभूतपूर्व प्रोत्साहन दे रहा है। आज भारत सागर माला के तहत पोर्ट लेड डेवलपमेंट में जुटा है। आज भारत मैरिटाइम विजन के तहत अपने सागरों के पूरे सामर्थ्य का इस्तेमाल करने की ओर तेज गति से बढ़ रहा है। मर्चेंट शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने नए नियम बनाए हैं। सरकार के प्रयासों से बीते 9 वर्षों में भारत में सी फेरर्स की संख्या में 140% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है।